ओ यार तुम लोग क्या मस्त फोटो लेते हो यार। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने नाइट फोटोग्राफी का थोड़ा बहुत बताया था, और तुमने लाइक उन ट्रिक्स को यूज करके इतनी तबाही फोटोज ली है। मैं लिटरली एग्जांपल्स दे देता हूँ कुछ। इन सब लोगों ने मेरे को टैग करा था फोटोज में, तो मैं देख पाया था और मैंने काफी उनको शाउट आउट दिए थे। और ये सिलसिला मुझे बहुत ही सही लगा था, क्योंकि मेरे को भी काफी ज्यादा सीखने के लिए मिला और मस्त लगी मेरे को फोटोज। और इसके लिए मेरे को लगा जो और मेरे को थोड़ी बहुत और अमेजिंग ट्रिक्स पता है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँ, और तुम भी थोड़ी बहुत फोटोज लो और मेरे को भी सिखाओ, थोड़ा मजा आया और जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू हमारी फोटोज की एकदम लाइक टॉप क्लास हो जाए। तो सबसे पहली ट्रिक आपको एक सुपर पावर दे देगी, आपके पास पावर आ जाएगी लाइट की। आप लिटरली अंधेरे में जो भी चाहें वो 3D में लिख सकते हैं और लाइक वो फोटो में आ जाएगा, और ये फोटो दिखने में बहुत ही सेक्सी लगती है। तो मम्मी को हैप्पी बर्थडे लिख के दे देना, या फिर हैप्पी फादर्स डे अपने पापा को, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना होगा तो भाई तुम अपना हेलो स्वीटी आई लव यू ऐसे करके कुछ लिख देना, मजा आएगा। तुम्हारी फ्रेंड हाँ बोलेगी कि नहीं ये तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, बट फोटो एकदम तगड़ी क्वालिटी की आएगी, ये मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक कोई भी नॉर्मल कैमरा एप्लीकेशन चाहिए जिसमें मैनुअल मोड हो, और उसके बाद आपको एक चाहिए सस्ता सा ट्राईपॉड। ट्राईपॉड भी नहीं है तो डालडा घी के डब्बे पड़े होंगे घर में, उनको लगा लो, या किताबें लगा लो अगर आप फेल हो गए हो तो। और इनको लगाने के बाद यार फेल मत होना यार, पढ़ाई कर लो अच्छा रहता है। और इनको लगाने के बाद अपनी मैनुअल सेटिंग्स में जाना, ISO सबसे कम वैल्यू पे करना, जो शटर स्पीड है उसको कर देना 10 सेकेंड। और एक चीज मेक श्योर करनी है, रूम में एकदम अंधेरा होना चाहिए, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। और उसके बाद देना है कोई भी लाइट, जैसे अपने फोन की फ्लैश लाइट है या फिर कोई LED लैंप या कुछ भी जो आपके हाथ में आता है। लिटरली अगर जुगनू मिलता है तो उसको पकड़ के उससे ड्रॉ करने लग जाओ। इससे अपना नाम लिख लो, कोई ड्राइंग बना लो, कोई पैटर्न बना लो, जैसा करना है आप वैसा कर सकते हो। और बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी की फोटोज आती हैं इससे, और देख के दिल से अंदर से खुश हो जाता है। और अगर आपको थोड़ा समझ नहीं है कि एक्चुअली कैसे करना है, तो मेरी जो पुरानी वीडियो थी नाइट फोटोग्राफी पे वो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने लाइक सब डिटेल में बता रखा है। तो मतलब सेम कॉन्सेप्ट है, बट जो हम चीज़ कर रहे हैं उसमें लाइक थोड़ा सा अलग है। एक और मैं ट्रिक बताता हूँ इसी के लिए, अगर मोबाइल के फ्लैश पे ऐसे उंगली रख दोगे तो जो लाइट आएगी वो रेड होगी, और रेड कलर से सब्सक्राइब बटन भी होता है, तो नीचे जाना और सब्सक्राइब बटन में भी क्लिक कर देना। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा रैंडम था, बट क्लिक कर दो यार, मस्त ऐसी वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। जो दूसरी वाली ट्रिक है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए आपको चाहिए पड़ेगी एक CD। CD इसलिए क्योंकि थोड़ी सस्ती भी आती है, और इसको आपको डालना पड़ेगा किसी भी एक नॉर्मल लैपटॉप में जिसमें CD राइटर हो। उसके बाद इसमें जस्टिन बीबर का एक गाना डालना पड़ेगा सॉरी, और उसके बाद आप CD को तोड़ दोगे। तो ऐसे हाफ में तोड़ना, इससे क्या रहेगा कि एक्चुअल जो इमोशन है ना गाने को, वो CD में ट्रांसफर हो जाएगा और फोटो अच्छी आएगी। मजाक कर रहा था, जस्टिन बीबर का गाना राइट करने की कोई जरूरत नहीं, वो खाली टाइम पास के लिए था, मेरा गाना राइट कर देना। और CD हमने इसलिए चूज़ करी है क्योंकि यार प्रिज्म विज़म बहुत महंगे आते हैं, 1000-1000 रुपये का प्रिज्म आप एक मोबाइल से फोटो खींचने के लिए तो डेफिनेटली नहीं लोगे। इसलिए मैं थोड़ा सस्ता जुगाड़ आपके लिए निकाला। अगर CD खरीदने के भी पैसे नहीं है और मम्मी एकदम डांट देती है 10 रुपये देने से भी, तो चक्कू उठा लो मम्मी का, और वो उससे भी आप रिफ्लेक्शन मार के अपने मोबाइल में मस्त मस्त फोटोज़ खींच सकते हो। तो CD से क्या होगा, इंद्रधनुष वाली मस्त फील आ जाएगी फोटोज़ में। CD को आप ऊपर भी लगा सकते हो कैमरे के लेंस के, या नीचे भी लगा सकते हो और हल्का सा हिला हिला के एडजस्ट कर लेना, तो मस्त ऐसे रिफ्लेक्शन से आएंगी फोटो के अंदर, और मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव फोटो होगी जो आप फोटोशॉप पे बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और चक्कू से भी कर सकते हो, चक्कू में भी हल्की फुल्की रिफ्लेक्शन आती है, थोड़ा डिफरेंट इफेक्ट मिलेगा। पर चक्कू से एक्चुअली क्या रहता है, थोड़ा डर रहता है लेंस के लाइक स्क्रैच होने का, तो CD में डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। और अगर आपकी मम्मी बहुत लीनेंट है या फिर आप खुद अपना पैसा कमा रहे हो, तो डेफिनेटली ले लो जाके प्रिज्म और रगड़ दो सारी इमेज। नेक्स्ट वाली ट्रिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पैनोरामा जो मोड है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अंडर यूज्ड है, हमको पता भी नहीं होता एक्चुअली करना क्या इससे, मतलब घर में ही घुमा घुमा के किचन की फोटो खींचते रहते हैं, बट एक्चुअली इसके और भी बहुत ज़्यादा यूजेज हैं। तो सबसे पहली बात, आपको हॉरिजॉन्टली नहीं उसको ऐसे स्वाइप करना है, आप उसको वर्टिकली भी कर सकते हो। तो अगर समझ लो आईफिल टावर की फोटो खींचनी है, या फिर आपकी हाइट थोड़ी छोटी, आपको अपना लंबा दिखना है, तो आप ऐसे नीचे से स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ फोटो खींचो और मस्त फोटो आती है। उसका इफेक्ट जो होता है, मतलब वाइड एंगल लेंस वाला होता है, और दिखने में फोटो बहुत ही लाइक क्रिएटिव सी लगती है। मैं बोलूंगा नीचे से अगर आप ऊपर कर रहे हो तो ट्राईपॉड पे करना प्रेफर करो, इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आएगी। बट अगर आप हाथ से भी कर रहे हो तो लाइक हल्का स्टेडी रखो, तब भी बहुत तगड़ी क्वालिटी आ जाएगी। और एक और बहुत सिंपल ट्रिक, अगर आपको क्लोन करना है अपने आप को लाइक एक ही फोटो में 6-7 बार, और कोई ऐसे एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं है आपके पास, आपको पैनोरामा बनाना स्टार्ट करना है एक बंदे के साथ, और जब वो बंदा मूव कर जाए नेक्स्ट वाले फ्रेम में, तब आपको अपना कैमरा मूव करना है, और एक एक करके ऐसे पूरे फ्रेम में लोगे तो लाइक 7-8 बार आ जाएगा वही बंदा, सेम बंदा, या फिर आप अपनी खुद भी खींच सकते हो, किसी और को दे देना, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने दोस्त को, या जिसको भी मन करे। और इन दी एंड एक बहुत ही क्रिएटिव फोटो आएगी। इसको भी अगर सही से करना है तो एक ट्राईपॉड ले लो, उससे थोड़ी स्टेबिलिटी रहती है, मतलब सेम लेवल पे सारी फोटोज खींचेंगी। बट अगर हाथ से भी करना है तो मतलब
अपने दोस्त का हाथ बोलना एकदम सीधा रखे हो, नहीं तो पूरा थक जाओगे दौड़ते दौड़ते फ्रेम में। नेक्स्ट मेरी ट्रिक एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर आपने नोटिस करी होगी बात कि मतलब अगर दोपहर में आप फोटो खींचते हैं तो बहुत ही लाइक बेकार सी स्किन टोन आती है, पसीना पसीना हो जाता है पूरी इमेज में। बट वही सेम इमेज अगर आप शाम को लेते हैं तो इमेज की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, सारी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन आती है, ऐसा लगता है एकदम स्वर्ग से उठ के आए हो। और ये एक्चुअली इसलिए होता है कि राइट जो है वो लाइक रिफ्लेक्ट हो के बादलों से और हर जगह से सॉफ्ट होके आती है आपके चेहरे पे, और इस वजह से जो एक्चुअल फेस पे लाइटिंग है वो काफ़ी इवन सी होती है। यही सेम प्रिंसिपल अगर आप मोबाइल से फोटोज खींचते टाइम यूज़ करोगे तो लाइक बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोफेशनल लुकिंग पोर्ट्रेट्स आ जाएंगे आपके। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटा सा गैजेट चाहिए जिसको आप फ्लैश पे लगा सकते हैं, डिफ्यूज़ हो जाएगा फ्लैश, इससे रिफ्लेक्ट होके जब लाइट आएगी तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आएगी और फेस पे भी लाइक नेचुरली पड़ेगी, तो जो शेडोज हैं वो खत्म हो जाएंगी और लाइक चिकनी चिकनी खाल आएगी आपकी। और अगर आपको 50-60 रुपये नहीं भी खर्च करने इस वाली गैजेट पे, तो आपको चाहिए रहेगा एक बल्ब और एक पॉलीथीन, और बल्ब को ऐसे पॉलीथीन के अंदर डाल के रबर बैंड से ऐसे बांध देना, और इसके बाद जब आप इस बल्ब को जलाओगे तो रिफ्लेक्ट होके आती है लाइट इस वाली पॉलीथीन से, तो लाइक अच्छी क्वालिटी की फोटोज आएंगी और लगेगा कि आपका सॉफ्ट बॉक्स है बट एक्चुअली सस्ता जुगाड़ है। तो इस वाली ट्रिक से दुनिया तो रोशन हो गई होगी आपकी। अब नेक्स्ट वाली ट्रिक है स्लो मोशन शॉट्स के लिए, मतलब एक्चुअली जो रुका हुआ फ्रेम्स होते हैं ना फोटोज़ में, वो वाले शॉट्स। तो इसको लेने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, आप कोई भी एक फास्ट फ्रेम जो कैमरा एप्लीकेशंस होती हैं, फास्ट बर्स्ट कैमरा या फिर ऐसी कोई कैमरा एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर बहुत ज़्यादा मिलती हैं, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को, मैंने इसमें तो लाइक एक कांच का छोटा सा ग्लास लिया है, उसके अंदर मैंने एक चीज़ ड्रॉप करी है, एक बॉल सी, तो मैंने बॉल गिराते टाइम शटर को प्रेस कर दिया था, तो इससे इसने बहुत सारी लाइक 30-40 फोटो ले ली, और उसमें से एक अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो जिसमें पानी मस्त तो चल रहा है वो आप निकाल सकते हो और वो दिखा सकते हो अपनी मम्मी को और डांट खा सकते हो क्योंकि आपने पानी बहुत ज़्यादा गिरा दिया है। बट इंस्टाग्राम पे मस्त लाइक्स आ जाएंगे और अच्छी क्वालिटी की फोटोज़ आ जाएंगी, और ऐसी अच्छी क्वालिटी की फोटोज़ लोगे तो मेरे को डेफिनेटली टैग कर देना इंस्टाग्राम पे, मेरे को भी देखने में बहुत सही लगता है। और इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो मिलता हूँ, बाय।